बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चोर के आगे ताला क्या और बेईमान के आगे केवाला क्या। क्या भारत के साथ एक बड़ा धोखा हो गया है? स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस तरीके के कई वीडियो सोशल मीडिया में प्रकाशित हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अब रूस ने भारत से प्रश्न किया है और जिसके बाद भारत ने जवाब भी दिया है कि ये हथियार ऐसे पहुंचे हैं यूक्रेन। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो दरअसल कहानी ऐसे शुरू हुई है कि डॉक्टर एस जयशंकर रूस जाते हैं, रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं। राष्ट्रपति पुतिन का बॉडी लैंग्वेज और स्वागत करने का तरीका बताता है कि भारत और रूस के बीच में कितनी अटूट दोस्ती है। भारत ने भी इस बात को कई बार साफ किया है और रूस ने भी किया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने आते ही एक बयान दिया और इस बयान में कहा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारी दोस्ती को लेकर। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और हम दोस्त की तरह मिलते हैं, तो इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है और किसी को क्या दिक्कत है। और उसके कुछ ही दिनों बाद इस तरीके के एक वीडियो सर्कुलेट होने लगते हैं, जिस वीडियो में गोला बारूद दिख रहा है। और ये गोला बारूद क्या है तो आपको बता दें, 155 mm के आर्टिलरी गन में लगने वाले ये गोले बारूद है। इस युद्ध में आर्टिलरी गन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। स्क्रीन पर आप एक ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन ये कह रहे हैं कि एक दिन में 6155 mm के गोले बारूद इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, और अमेरिका सिर्फ 14,000 पर मंथ जनरेट करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात को कहा कि हम और भी तेजी से जनरेट करेंगे और हम यहाँ पर आसानी से मैच कर जाएंगे यूक्रेन के गोला बारूदों की क्षमता। और ये बात बहुत बड़ी सच्चाई भी है कि अमेरिका जितना महीने में उत्पादन करता है उससे कई गुना ज्यादा यूक्रेन खर्च कर रहा है। तो आखिरकार यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति कहाँ से हो? तो कहा जाने लगा कि यूरोपीय देश गोला बारूद देने लगे। अब ये जो यूरोपीय देश गोला बारूद दे रहे थे, यूरोपीय देश किसी न किसी से खरीद रहे थे और खरीद कर पहुंच रहा था, क्योंकि उनका भी उत्पादन कम ही हुआ है। रफ्तार में यूक्रेन फ्री का माल फोड़े जा रहा है, उस रफ्तार में उत्पादन दुनिया नहीं कर पा रही है, उस रफ्तार में उत्पादन उसके सहयोगी नहीं कर पा रहे हैं, और इसका असर तो दिखना ही था। अब सीन क्या हुआ है, अब तक क्या हो रहा था? यूरोपीय देश यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहे थे, फिर अचानक से वीडियो सर्कुलेट होने लगा और जिसमें ये दिखने लगा कि यूक्रेन के सैनिक भारतीय तोप के गोले रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब ये दिखा तो रूस ने भी भारत से कथित तौर पर अनुरोध किया कि भारत यूक्रेन को हथियारों की जो ये सप्लाई है इस पर थोड़ा ध्यान दे कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जो बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि कोई विदेशी शक्ति है, जो विदेशी शक्ति यहाँ पर काम कर रही है और ये विदेशी शक्ति भारत और रूस के रिश्तों को खराब कर रही है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं आप। भारतीय वायुसेना के अनुभवी और प्रसिद्ध विजेंद्र ठाकुर, इनकी एक टिप्पणी है। इन्होंने जब ये वीडियो देखा तो इन्होंने क्या लिखा, डिफेंस एक्सपर्ट ठाकुर ने स्लोवेनिया पर ये आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दक्षिण एशियाई देश भारत से तोप के गोले खरीदने के बाद यूक्रेन को इन्होंने भारतीय निर्मित तोप के गोलों की आपूर्ति की है और नई दिल्ली को धोखा दिया है। भारत को धोखे में रखकर ये सप्लाई किया गया है यूक्रेन को। इनका आरोप है कि स्लोवेनिया ने भारत को ये नहीं बताया है कि वो हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को करने वाला है। आपको बता दें, एक बात तो साफ है कि यूरोपीय देश या फिर अमेरिका खुद भी अगर ये कहे कि हम ये गोले बारूद यूक्रेन के लिए खरीद रहे हैं, आप हमें
गोले बारूद को सप्लाई करो तो भारत कभी सप्लाई नहीं करेगा। भारत की अपनी नीति है और भारत की नीति अस्पष्ट तौर पर दिखी है कई मौकों पर। अगर भारत को अमेरिका का साथ देना होता तो G20 की जो बैठक भारत के अंदर हुई थी, उस G20 के बैठक में भारत सभी देशों को आखिरकार कूटनीतिक रूप से ऐसे तैयार नहीं करता कि आपको रूस के खिलाफ कोई बयान नहीं देना है। भारत सीधे कहता कि हाँ जी भाई, हम वैसा ही बयान देंगे। भारत ने सभी को तैयार किया और राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ या रूस के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देने दिया। दूसरी बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये वीडियो रिलीज किया गया। खास तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से वीडियो को लिया गया है या तस्वीरों को साझा किया गया है, उससे अस्पष्ट लग रहा है जैसे कि जानबूझकर इसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश किया जा रहा है, रूस के सामने इस आइटम को पेश किया जा रहा है कि देखो ये है तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ही खिलाफ यूक्रेन को गोले और हथियार दिए हैं। जबकि भारत इतने समय से तटस्थ है और भारत ऐसा करेगा ये संभव नहीं है। आपको बता दें कुछ एक्सपर्ट इस बात को मानते भी हैं और कहते हैं कि मेरा अनुमान है ये तस्वीरें भारत को शर्मिंदा करने के लिए जानबूझकर लीक की गई है ताकि भारत का नाम घसीटा जा सके। अब इस मामले में भारत से रूस ने पूछताछ की है, जिसके बाद भारत के जो प्रवक्ता हैं एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के, उन्होंने इस बात को साफ किया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने न तो ये हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं और न ही किसी तरीके से यूक्रेन जाने से हमारा संबंध है। एक बात तो साफ दिख रही है, क्योंकि इसके साथ साथ सोशल मीडिया में और भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देखो आप, भारत का जो गोला बारूद है, इसके साथ ही इसकी काफी सारी चीजें मिलती जुलती हैं, मतलब ये भारत का ही है। एक डिफेंस एक्सपो के इन फोटोग्राफ्स को भी शेयर किया जा रहा है मैच करवाने के लिए कि हाँ जी देखो ये एकदम से भारत से ही आया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि भारत और रूस की दोस्ती रास नहीं आ रही है, बीच में कुछ पंगे खड़े करने की कोशिश हो रही है। पर ये ना जो चालें होती है ना, ये चालें बड़ी बचकानी चालें होती हैं। क्यों बचकानी चालें होती हैं? तो आपको बता दें, भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं। इस बात को रूस भी समझता है कि अगर कि भारत ने डायरेक्ट नहीं बेचा है, भारत ने भले किसी को दिया हो लेकिन उसने जाकर इसे यूक्रेन को दे दिया है। ये पता करना बहुत मुश्किल है कि किस रूट के तहत ये यूक्रेन तक पहुंचा है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? क्या ये जो चीज आई है ये किसी तरीके की डिप्लोमेटिक टेंशन भारत और रूस के बीच में खड़ा कर सकती है? वैसे मुझे तो नहीं लगता है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।